चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल और हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, टर्म के बेसिस पे जब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं तो पॉलिनोमियल हमें तीन तरीके के मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक सिंगल टर्म होती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म एक है तो वो पॉलिनोमियल मोनोमियल होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म टू है तो वो पॉलिनोमियल आपका बाइनोमियल होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म थ्री है तो पॉलिनोमियल हमारा ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि टर्म के बेसिस पे अगर अगर नंबर ऑफ टर्म वन है, फिर से सुनिए, टर्म के बेसिस पे जब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं तो अगर नंबर ऑफ टर्म वन है तो ये मोनोमियल होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म टू है तो बाइनोमियल होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म थ्री है तो ये ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। और डिग्री के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं, डिग्री के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री वन है तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री मैं आपको बता चुका हूँ, अगर पॉलिनोमियल हमारा एक वेरिएबल का है तो उस पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे लिए डिग्री होगी, ठीक है। तो अगर डिग्री वन है पॉलिनोमियल की तो वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री टू है पॉलिनोमियल की तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक होगा, अगर डिग्री इसकी थ्री होगी तो जो पॉलिनोमियल हमारा होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और अगर डिग्री फोर होगी तब जो पॉलिनोमियल हमारा होगा वो हमारा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो अगर डिग्री वन हुई तो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री टू हुई तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री थ्री हुई तो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री फोर हुई तो पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से देखते हैं, ठीक है, जब हम टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं तो पॉलिनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल बनता है, यानी अगर पॉलिनोमियल में टर्म वन है तो मोनोमियल हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्म टू है तो बाइनोमियल हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्म थ्री है तो ट्राइनोमियल हो गया। जब हम डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो अगर डिग्री वन है तो पॉलिनोमियल लीनियर हो गया, अगर डिग्री टू है तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो गया, अगर डिग्री थ्री है तो पॉलिनोमियल क्यूबिक हो गया, अगर डिग्री फोर है तो पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम देखते क्या हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, अगर ये एग्जांपल लें, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टर्म्स को देखते हैं। जब हम यहाँ से इसके पार्ट्स करेंगे तो हम ये देखेंगे किसके तीन पार्ट हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म 3 है तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, ठीक। चूँकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है तो हाईएस्ट पावर 4 है इसलिए डिग्री 4 हो गई, यानी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये बाई क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर हम इस 6 को हटा दें या इस 2x की पावर 4 को हटा दें तब ये हो जाता है 3x प्लस 6, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब भी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसलिए ऐड किए ताकि ये सब आ जाए। तो चलो देखो बेटा, तो अब जब इसको हमने हटाया तो यहाँ पे आ गया 3x 6x स्क्वायर और ये क्यूब, ठीक है। यहाँ देखिए x की पावर हाईएस्ट 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं 3x प्लस 6, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी दो टर्म है, दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वन है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल की तरह क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म पॉलिनोमियल में वन है तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म है तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म
थ्री है तो ट्राइनोमियल, ठीक है, वन पे मोनोमियल, टू पे बायनोमियल, थ्री पे ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे डिग्री वन है तो लीनियर, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री थ्री है तो क्यूबिक, डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ, ठीक है बेटा। अब देखिए ज़रा, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक। देखिए इसमें कह रहा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्लासीफाई द फॉलोइंग, नीचे जो पॉलीनोमियल दिया है उनको हमें क्लासीफाई करना है, अलग अलग करना है, कि हमें बताना है कि एज ए लीनियर कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा, ठीक है। तो देखिए पहला वाला, पहले वाले को देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, वेरिएबल की हाइएस्ट पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 होगी, डिग्री 2 है इसलिए पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स की पावर 3 यहाँ पे, यहाँ एक्स की पावर 1 है सेकेंड पार्ट में, तो चूंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी, है ना, डिग्री 3 होगी, और डिग्री 3 होगी तो ये पॉलीनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। अब देखिए वाई प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4, यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 है तो बेटा डिग्री 2 होगी तो ये आपका क्यूबिक डिग्री 2 होगी तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 1, है ना, तो x की पावर 1 यानी डिग्री 1 है तो डिग्री 1 है तो आपका ये लीनियर हो गया। 3t देखिए 3t, डिग्री वहाँ पे भी 1 है क्योंकि t की पावर 1 ही लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर 1 हुई तो डिग्री 1 हो गई, ये भी लीनियर हो गया। r की पावर 2 देखिए, पावर हाईएस्ट 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। 7x की पावर 3 देखिए, पावर आपका 3 है तो ये जो है क्यूबिक हो गया, ठीक। इसके साथ साथ देखिए इसमें चूंकि दो टर्म है तो ये बाइनोमियल होगा, इसमें भी दो टर्म है ये बाइनोमियल होगा, इसमें तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल होगा, इसमें दो टर्म है तो ये बाइनोमियल होगा, ये सिंगल टर्म है मोनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल, ठीक है। अब देखिए अगर हमें एक्स की पावर 3 वाला मोनोमियल लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 4x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 100x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 1000x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 1/2x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफाई हो गया एज ए लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। बस यही आपसे पूछा था कि कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। टर्म्स जो मैंने बताई है वो अपने तरफ से बताइए, ठीक है, कि कौन सा मोनोमियल होगा, कौन सा बाइनोमियल होगा, ठीक, क्योंकि वही टॉपिक पढ़ रहा है ना हम, जितना ज़्यादा क्लियर कर लें उतना अच्छा है। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा गिव वन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देना है, ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल डिग्री 100, ठीक। बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो इसका एक एग्जांपल, तो बाइनोमियल है तो दो टर्म होंगी बेटा, दो टर्म, एक इधर एक इधर, चाहे प्लस साइन लगाए चाहे माइनस साइन लगाइए, तो डिग्री 35 चाहिए ना, तो एक्स की पावर 35 हो गया। अब यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, एक्स की पावर 2 लिख दीजिए, नहीं आपका मन कर रहा है तो 2x की पावर 35 लिखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखने का मन नहीं है 2 लिख दीजिए, एक्स की पावर 35 होना चाहिए, बस आप यहाँ 10 लिख दीजिए कोई बात नहीं, एक्स की पावर 35 होना चाहिए। आप यहाँ पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ एक्स की पावर 34 तक लिख सकते हैं क्योंकि 34 भी 35 से छोटा, हाईएस्ट पावर 35 ही होगा। तो इस तरीके से कई एग्जांपल हो गए, हमें बस एक ही लिखना, कोई एक लिख दीजिएगा। मोनोमियल यानी एक ही टर्म होगी और डिग्री 100 होगी, तो एक्स की पावर 100 लिख सकते हैं, या 3x की पावर 100 लिख सकते हैं, या पाई बाई 2x की पावर 100 लिख सकते हैं, है ना, या फाइव बाई फोर एक्स की पावर 100 लिख सकते हैं, ठीक है, √3x की पावर 100 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कई हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये हमारा टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन हो गया। और हमने क्या सीखा, फिर वही बात बता रहा हूँ कि बेटा अगर टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो पॉलीनोमियल मोनोमियल होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो पॉलीनोमियल बाइनोमियल होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो पॉलीनोमियल ट्राइनोमियल होगा, अगर डिग्री 1 है तो पॉलीनोमियल लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 है तो पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 है तो पॉलीनोमियल क्यूबिक होगा, डिग्री 4 है तो पॉलीनोमियल बाई क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ, शुक्रिया।